सोलर हिमाचल उत्सव की पांचवी सांस्कृतिक संध्या धूमधाम से आयोजित की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज हिमांशु पवर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज रविंद्र कुमार और म्यूजिक डायरेक्टर परमजीत पम्मी बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली लोक गायकों और पंजाबी कलाकारों ने संध्या में खूब रंग मचाया। सोलन हिमाचल उत्सव की पांचवी सांस्कृतिक संध्या धूमधाम से आयोजित की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज हिमांशु पंबर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज रविंद्र कुमार और म्यूजिक डायरेक्टर परमजीत पम्मी बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली लोक गायकों और पंजाबी कलाकारों ने संध्या में खूब रंग जमाया, जिसका उपस्थित दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में पंजाब दूरदर्शन के कलाकार डोनी राणा ने पंजाबी गीतों पर खूब मनोरंजन किया। वहीं मोहित गर्ग ने दर्शकों को खूब झुमाया। दीपक जंदेबा और मदन झाल्टा ने अपने पहाड़ी गीतों से लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। वहीं राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता में मनु शर्मा हिमाचल आइडल बनी और राहुल दूसरे पायदान तो शुभम शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। तीनों विजेताओं की भैरवी प्रोडक्शन द्वारा निशुल्क एल्बम निकाली जाएगी। इस मौके पर मुख्य अतिथि हिमांशु पंबर ने कहा कि डायनेमिक इंडिया युवा मंडल पिछले 17 वर्षों से लगातार हिमाचली कलाकारों को मंच प्रदान कर रहा है, जो एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सवों से ही हिमाचल की संस्कृति आज तक जिंदा है, इसलिए इस तरह के आयोजन भविष्य में भी होते रहने चाहिए। वहीं इस मौके पर म्यूजिक डायरेक्टर परमजीत पम्मी ने कहा कि हर घर में संगीत होना चाहिए, क्योंकि संगीत ही जीवन में रंग भरता है और जीना सिखाता है और सुख दुख का एहसास दिलाता है। सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत शुभकामनाएं आज देता हूं। आज इस सफल आयोजन पे कि हिमाचल उत्सव के माध्यम से ना केवल सोलन की बल्कि पूरे प्रदेश की प्रतिभाओं को जो एक मंच मिला है, उसके लिए जितना श्रेय डायनेमिक इंडिया युवा मंडल को दिया जाए वो कम है। गत 17 वर्षों से ये सफल आयोजन कर रहे हैं इस उत्सव का। मेरी कामना है कि आने वाले अनेकों अनेक वर्ष इसी प्रकार से ये युवक मंडल अपनी ऊर्जा को बनाए रखे और इसी प्रकार प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करें और हमारी विविध सांस्कृतिक जो विरासत है उसको आप सबके सामने यूं ही प्रस्तुत करें और सहेजने में सहायक हो। मैं शुभकामनाओं के साथ और इसी ऊर्जा के साथ आप आगे भी लगे रहें, इसी कामना के साथ मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया। आभार। जो हिमाचल उत्सव करवा रहे हैं इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ऐसे कलाकारों को मंच देना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग उस टाइम काम करते थे जब घर से हमें बोला जाता था कि ये गाना बजाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आज की रेट में मैं तो कहता हूँ हर घर में संगीत होना चाहिए। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।